मेरा नाम जी फैसल उस्मान है. आई एम रनिंग द फर्म कॉल्ड डी जी सर्व एंड राइट नाउ वी आर पार्टनर्ड विद बैंक अल्फला एंड वी आर डेवलपिंग अ क्रेडिट स्कोर कार्ड मॉडल फॉर बैंक अल्फला एंड द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है. राइट नाउ जी मैंने जो सोलर सर्विसेज ली हैं वो अपने घर के लिए. मेरा घर जी DHA फेज 4 में लोकेटेड है. इट्स अ वन कैनाल हाउस जी. हमारी जो घर पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज़ तकरीबन जो हमारा सोल्यूशन है वो हमने कुछ इस तरह ऑप्ट किया था कि वी हैव अ 10 किलोवाट इन्वर्टर बट द पैनल्स राइट नाउ आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 5.6 किलोवाट. सोलर पे जी जाने का मेन मकसद था अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करना. वी हैव अ स्मॉल फैमिली. इतनी बड़ी फैमिली नहीं है मेरी लेकिन फिर भी हमारे घर में मिनिमम 2 एयर कंडीशनर्स प्लस कोई 4 सीलिंग फैंस और कोई अराउंड 20-30 एनर्जी सेवर्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं. तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वी थॉट के लेट्स मूव टू सोलर और इसकी बेनिफिट देखें कि इसका बेनिफिट हमें क्या है. फिर स्पेशली जब से ये कोविड सिचुएशन आई है वर्क फ्रॉम होम की में हमारी जो दिन की यूटिलाइजेशन है बिकॉज आई माई सेल्फ एंड सम ऑफ माई स्टाफ मेम्बर वी ट्राई टू सिट इन दी एट आर होम एंड वी ट्राई टू कम्प्लीट आर असाइनमेंट्स. तो उसके अंदर होता ये है कि फिर AC हर वक्त चल रहा होता है तो एक फीलिंग ये भी थी कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो डेफिनेटली आवर एनर्जी नीड्स वुड गो अप एंड डेफिनेटली विच रिजल्ट इन टू मोर बिल यू नो जनरेशन. तो उसके लिए फिर हमें था कि हम सोलर को लगा लेते हैं और प्लस सोलर का हमें ये भी था फ़ायदा कि इट्स अ लॉन्ग लाइफ सोल्यूशन. तो हमें था कि अगर अभी फ़िलहाल कोविड में काम आ रहा है तो आगे चल के इफ़ द फैमिली इंक्रीजेस और माई यू नो बिकॉज आई हैव अनदर प्लान ऑफ मेरा घर अभी इट्स अ सिंगल स्टोरी हाउस तो हमने एक सेकेंड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि हमारी फिर एनर्जी नीड्स बढ़ जाएंगी. तो आई थिंक देन सोलर जो है वो हमें उस वक्त काफ़ी हेल्प करेगा. बहुत को लंबा चौड़ा बिल नहीं आता था हमारा. कोई एवरेज महीने का बिल है तकरीबन को 25,000 से लेके 30,000 हमारा एवरेज बिल आता था लेकिन सोलर के लगने के बाद इट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. और चूंकि अभी हमारे सोलर लगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक दिस इज़ द 5th मंथ जब से नेट मीटरिंग हमारी इंस्टॉल हुई है, तो हमारा बिल तकरीबन हैज़ ड्रॉप टू आई थिंक महीने की एवरेज जो है वो आई थिंक 5,000-6,000 पे चली गई है विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट सेविंग फॉर अस. के जो अगर लॉन्ग टर्म में अगर चूँकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बिल ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल साल की जो एवरेज है इट विल फर्दर ड्रॉप. तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है और बहुत अच्छी हमारा डिसीजन था टू गो फॉर दिस सेटअप. एक तो सोलर का एस्पेक्ट है सेविंग्स जिसके लिए हर बंदा सोलर के लिए कर रहा है. इसका सेकंड एस्पेक्ट है आपका कार्बन फुटप्रिंट को अपना कम करना. द मेन फोकस इज़ ऑन सेविंग्स. तो अगर आप ये देखें कि आपको किसी तरह भी बचत होती है किसी भी चीज़ में तो आप वो फंड्स या वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर की अगर हम बात करते हैं तो मेरा लेट्स अगर बिल पहले 25,000 या 30,000 आ रहा था महीने का और अब अगर वो मेरा बिल हैज़ गॉन टू ज़ीरो और लेट्स से मिनिमम अमाउंट तो ये देखें ये अमाउंट मैं अब किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल समबडी जो शायद मिडिल क्लास है वो बच्चों की फ़ीस जो आजकल आपको पता है एजुकेशन है एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन वे अप और आवर कमोडिटीज़ जो यूजबल कमोडिटीज़ हैं हमारी जो डेली ग्रोसरीज़ हैं उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं सेविंग्स. मतलब यू नो एक सेविंग है जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और मे बी यू नो आप उसे पैसे रख के किसी बैंक में रख के आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो तो यू नो देयर इज लॉट ऑफ यू नो एवेन्यूज जहाँ पे के सेविंग को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. वन ऑफ रेफरेंस टोल्ड मी कि जी आप EQ प्लस एक दो और लोग भी थे उनको चेक करें. तो जब मैंने EQ अपनी क्वेरी सेंड की और साथ पैरेलली और एक दो लोगों को की तो द फर्स्ट वन हु रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी वॉज EQ. और जिस तरह वो क्वेरी रिस्पॉन्ड की गई और जिस तरह फिर मेरे घर विजिट हुआ और मेरे पास आई हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड वो ऑल यू नो टेक्निकल क्वेश्चंस सम वर यू नो क्वेश्चंस जो कि शायद हर बंदे को नहीं पता एंड सम क्वेश्चंस वर फॉर क्वेश्चंस फॉर डमीज कि जी बिल्कुल नहीं पता कि क्या नेट मीटरिंग क्या होती है और ये मीटर क्या करेगा या ये तार कौन सी होगी जी और मेरे घर में ये सोलर UPS को चलाएगा या UPS सोलर को चलाएगा, लाइट जाएगी तो क्या होगा, लाइट आएगी तो क्या होगा. अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेट मीटरिंग इंस्टॉलेशन में एज़ कस्टमर या एंड कंज्यूमर आपने कुछ नहीं करना. EQ को आपने
जब ये उनसे आपकी होगी डील, उन्होंने सारी प्रोसेसिंग उन्होंने करनी है, आपका कोई लेस्को के ऑफिस या किसी एक्सीएन के पास या किसी लाइन मैन के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन आपके घर खुद ही मीटर लग जाएगा और दैट इज़ इट। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपकी कोई लेग वर्क इसमें किसी किस्म की शामिल नहीं है। टीम केम टू मी टू एड्रेस माई क्वेरी, देयर एटीट्यूड वॉज सो प्रोफेशनल कि उन्होंने मेरी हर बात का बड़े सुकून से जवाब दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं जगह इरीटेट हो सकते हैं कि जी क्या आपने क्या बात पूछी, तो किसी मतलब आपको पता होनी चाहिए बात ये, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात को एड्रेस किया। और सिर्फ उस मीटिंग में नहीं, बल्कि मेरा मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आई हैड सेवरल मीटिंग्स, और जिसके अंदर मीटिंग्स भी थी यानी पर्सनल इंटरेक्शन भी था और फ़ोन कॉल्स भी थी, जिसमें सिर्फ मेरी क्वेरीज होती थी, ये बता दें ये बता दें ये बता दें। तो इट वाज अ वेरी यू नो गुड एक्सपीरियंस। मैंने बल्कि जब मेरा इंस्टॉलेशन हुई तो आई स्पेशली वेंट ऑन ई क्यूब्स फेसबुक पेज और मैंने वहाँ जाके एक बहुत लंबा रिव्यू लिखा कि टीम बहुत प्रोफेशनल है, सर्विसेज बहुत प्रोफेशनल है, जिस तरह मेरी इंस्टॉलेशन हुई इट वाज डन वेरी प्रोफेशनली, हर चीज़ का बड़ी अच्छी तरह ख्याल रखा गया। और इवन के होता है ना जी कि जो घर का ओनर होता है वो जी ये तार इस तरह लगा दें या ये तार यहाँ से ना गुजारें, एवरी थिंग वॉज कोऑर्डिनेटेड फॉलोड और बड़ा अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन हुई। तो आई थिंक आई हैव रिकमेंडेड सो मेनी पीपल के जी ई क्यूब इज़ अ वेरी गुड चॉइस। आप ज़रूर सर्वे करें, मार्केट में चेक करें, लेकिन जब भी आपका जहन बने तो डू टॉक टू ई क्यूब एंड ट्राई टू एंड आई थिंक यू विल फाइंड आउट के दे हैव अ वेरी प्रोफेशनल टीम।